अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम एक बार फिर से ट्राई के टैरिफ ऑर्डर को लेकर बात करने वाले हैं। और आज इस मुद्दे पर बात करना भी बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि एक आम नागरिक, चाहे मैं हूं चाहे आप है, आपके मन में यही सवाल बना हुआ है कि कब हमारे लिए ट्राई के टैरिफ ऑर्डर में एक बार फिर से बदलाव किया जाएगा, पैकेज को सस्ता किया जाएगा। क्योंकि ट्राई ने खुद से स्वीकार किया था कि हम जो है एक बार फिर से पैकेज में आपके लिए फेरबदल करेंगे, सस्ता करेंगे, इसके अलावा नया नियम तैयार करेंगे और साथ ही साथ जनता से भी राय लेंगे, सर्वे करेंगे कि क्या आपको उस नियम से फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो किस तरह से हुआ है, और नहीं हुआ तो क्या बदलाव किया जाना चाहिए। इसको लेकर बड़ी बड़ी दलीलें हमारे पास पेश की गई, लेकिन आज के वक्त में हो क्या रहा है, जब केंद्र सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय के बीच मीटिंग हुई तो उसमें ट्राई ने यह कह दिया कि 10 से 15% का फायदा हर एक ग्राहक को हो रहा है हर महीने के मंथली बिल में। तो खुश हो सकते हैं कि ट्राई के हमारे लिए कोई आने वाले वक्त में बदलाव करने वाला है, मुझे कहीं से भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ट्राई ने हमारे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा है। वो इस तरह से रचा है क्योंकि जब केंद्र सरकार की और सूचना प्रसारण मंत्रालय की कल बैठक हुई आपस में, जब वहां पर ट्राई मौजूद था, तो ट्राई से जब सवाल किया गया कि जो आपने डीटीएच और केबल टीवी के लिए नया रूल लागू किया है तो उससे क्या ग्राहकों को फायदा हुआ भी है, इसमें कोई फेरबदल किया जाना चाहिए, तो देखिए वहां पर ट्राई ने साफ तौर पर साफ कर दिया कि इससे ग्राहकों के बिल में 10 से 15% की बचत होने लगी है। तो अब यहां से खुद ही समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना बचाव करते हुए साफ सरकार के आगे पेश कर दिया कि जनता को उससे फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। बल्कि उन्होंने वहां पर यह पेश करना था कि इससे जनता को कुछ ना कुछ घाटा भी हो रहा है, और हमने इस बार फिर से विचार करने की कोशिश करी है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से जनता के पास जाने की और उसके बाद एक बार फिर से इस नियम में बदलाव करेंगे। लेकिन उन्होंने वहां पर ऐसी कोई बात पेश नहीं की कि हम उसमें एक बार फिर से बदलाव करने वाले हैं, बल्कि उन्होंने वहां पर सफाई दे दी कि हमारा जो नियम लागू किया, हमने बहुत ही बड़ा तगड़ा नियम लागू किया, बहुत बढ़िया, जिससे ग्राहकों को फायदा ही फायदा हो रहा है, चैनल्स भी काफी देखने को मिल रहे हैं और पैकेज के दाम भी काफी घट गए हैं। देखिए फायदा मैं मान सकता हूँ केवल उन लोगों को हुआ होगा जो काफी कम चैनल्स देखना पसंद करते हैं, गिने चुने प्राइवेट चैनल्स ले रखे होंगे और उसके अलावा केवल फ्री टू चैनल्स में उनका पूरा पैकेज चल जाता है। लेकिन जो डेली बेसिस पर ज्यादा चैनल्स देखना पसंद करते हैं, उनके लिए नियम काफी घाटे का सौदा है और काफी महंगा हो गया है। तो जहां एक तरफ ट्राई जो है हमारे पास बड़ी बड़ी दलीलें पेश कर रहा था कि हम सस्ता करेंगे, दूसरी ओर सरकार के पास वो ये बयान जारी कर रहा है कि अब से कस्टमर को फायदा हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि केवल महंगा उन्हीं लोगों के लिए हुआ है जो कि घर में एक के बजाय 2 टीवी का इस्तेमाल करते हैं। यानी मान लीजिए आपके घर में मल्टी टीवी का कनेक्शन लगा हुआ है तो ही आपका मंथली बिल बढ़ रहा है, अन्यथा अगर आपके घर में केवल एक ही टीवी लगा हुआ है तो उससे कोई भी मंथली बिल नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आपको फायदा हो रहा है। तो अब यहाँ से खुद ही वो अपनी जो राय है मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि जो केंद्र सरकार के पास ट्राई ने अपनी राय रखी है, क्या ये सही रखी है या गलत रखी है, और इसमें क्या कोई फेरबदल आने वाले वक्त में होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आसार नजर आ रहे हैं तो उसमें मुझे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि ट्राई हमारे लिए आने वाले समय में कोई ना कोई बड़ा बदलाव करने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास उन्होंने क्लीन चिट पेश कर दी है। तो केंद्र सरकार भी ना तो कुछ कहेगी और ट्राई भी आराम से बैठा रहेगा, क्योंकि उसे क्या दिक्कत है, जो नियम लागू हो गया हो गया, जो नुकसान होगा वो जनता का होगा, एक ट्राई का थोड़ी ना होगा। तो दोस्तों मुझे आपकी राय का बेशक इंतजार रहेगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही था, यदि मुझे और भी कोई खबर आती है जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। नमस्कार।